केंद्र और राज्य सरकार के पहल पर देवघर जिला के 184 मजदूरों को एर्नाकुलम एक्सप्रेस से लाया गया जसीरी स्टेशन। केंद्र और राज्य सरकार के पहल से लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों के 184 श्रमिक बंधु आज स्पेशल ट्रेन के माध्यम से एर्नाकुलम से जसीरी स्टेशन पहुंचे। उपायुक्त नैन्सी सहाय व वरीय अधिकारियों के द्वारा सभी श्रमिकों का अभिनंदन किया गया एवं उनके सकुशल घर वापसी हेतु ढेरों शुभकामनाएं दी गई। आने वाले सभी श्रमिकों को ट्रेन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतारा गया व स्टेशन परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बने काउंटर में उनका थर्मल स्कैनिंग व स्वास्थ्य जांच संबंधी अन्य सभी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य तक जाने हेतु अलग अलग जिलों की बस में बैठा कर रवाना किया गया। ज्ञात हो कि 24 जिलों के 184 श्रमिक बंधुओं में पलामू के 154 श्रमिक, देवघर के 130, कोडरमा के 120, बोकारो के 117, गढ़वा के 90, दुमका के 72, गिरिडीह के 59, जामताड़ा के 56, धनबाद के 46, लातेहार के 41, पाकुड़ के 37, सिमडेगा के 33, हजारीबाग के 31, गोड्डा के 15, रामगढ़ के 12, पश्चिम सिंहभूम के 12, चतरा के 10, गुमला के 10, सरायकेला के 10, साहेबगंज के 9, खूंटी के 8, रांची के 6, पूर्वी सिंहभूम के 3 एवं लोहरदगा के 3 श्रमिक शामिल हैं। उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा एर्नाकुलम से आने वाले सभी श्रमिकों को नाश्ता पानी का वितरण करते हुए सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया। कहा कि मास्क का उपयोग कर वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही इस कोरोना नामक महामारी को हरा कर इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं चिकित्सकों द्वारा दिए गए चिकित्सीय परामर्श का अक्षरशः पालन करें एवं स्वस्थ, सतर्क व सुरक्षित रहें। मैक्सिमम लेबर आपको पलामू, बोकारो, कोडरमा और देवघर के ही हैं और बाकी कुछ अन्य जिलों के हैं। 10-12 ऐसे के मैक्सिमम सभी, जैसे पिछली बार उन्होंने जिस तरह से कोच वाली बुटार थे उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद उनको उनके जिले सारे बसेज और फिर बसेज वगैरह उसके माध्यम से उनको अपने गृह जिले में हम लोग पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। काफ़ी सारे ट्रेन विभिन्न राज्यों से घूम रहे हैं जो कि प्रवासी मजदूरों को वापस लेकर झारखंड।